दोस्तों, मैं रंगीन न्यूज के लिए नरेंद्र रंगी। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो पिछले 10-15 दिन से एक मामला भिवानी के अंदर गरमाया हुआ है, संदीप और रेणु का। तो आज हम संदीप से पूछते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। संदीप भाई, मामला है जी रिली रिलेशन का। हाँ, 2020 में हमने 29/2020 ने रिली रिलेशन में आगे दिया। वैसे हमारा प्रेम है 2010 से, न मीडिया के आगे पहले झूठ बोली ना आज बोलूंगा। 2000 ना मेरी फैमिली इसके बीच मारी, भाई ना मेरा कोई रिश्तेदार या ना मेरा परिवार इस मारा मैटर के ऊपर कोई नहीं आ रहा। आज मैं इस स्थिति पहले आगे छोड़ दिया इस लेडीज ने। 21/5 को मेरी और मेरी मिसेज का खर्चा केस था, वहाँ मेरी मिसेज ने जज साहब का गई ये बयान कर दिए कि जी मेरे मामा की लड़की के साथ रहे हैं, मेरे कोई किसी प्रकार की आपत्ति को नहीं, मेरे बच्चे का जो खर्चा है ना वो भाई मैं मैंने दे दे, अरे ये आराम से रहो, हमको इंटरफेयर ना तो पीछे करें इनके जिंदगी में ना आगे करो। जज साहब ने वो आगे ही तारीख दे दी। चलो भाई ठीक है, आप लोगों का भाई फैसला जज साहब ने करना है, आगे ही डेट। उसी दिन रेणु रात को महावीर के साथ, ये महावीर कौन है? वो उसका पहला पति है। अच्छा, 20 तारीख को वो रात को अपनी मिसेज के साथ झगड़ा करके भिवानी रेलवे स्टेशन पर आ गया। अच्छा। और वहां से उसके पड़ोस में रेणु के पास किसी ने फोन कर दिया, मैं सुता पड़ा था, रेणु ने उनसे बातचीत करी होगी, फिर रेणु ने मैं जगाया। नूली नुनू बात हो रही है, अगर लड़के ने लेकर घर से झगड़ा करके निकल रहे हैं, भाई सब एक बात से भाई गर्म गुस्सा होके बरा के घटना घट जा, वो हम दोनों रेलवे स्टेशन चले गए, उसको वहां अपने घर लिया। देखो मैं तो एक महावीर की, चलो भाई वो ले गया है, वह गेल गई है, लेकिन वो तो खुल्लम खुली बात से, इसमें सारा मैटर था इसकी बेबेगा ललित का। इनने मलियात 4 महीने पहले एक राव साहब का रिश्ता कराया था इनका, जो कि मन्ने पता नहीं था, लेकिन उस दिन वह एक रिकॉर्डिंग मेरे पास इसकी थी, इसने कर दी वह बात, फिर मेरा थोड़ी ही, लेकिन मेरा विश्वास नहीं था रेणु यह घटना घटा होगी, क्योंकि इतना 2010 से लेकर आज तक इतना प्रेम था, कदे मतलब एक दूसरा विश्वास नहीं टूटा। मेरा हकीकत में नहीं जच रही थी कि रेणु यह घटना घटा होगी। 21/6 को रेणु दूसरी जगह, उससे पहले जो एक जहाज वाली आपने सुनी होगी वह एक सत्य घटना है, जिस व्यक्ति के जारी थी निया, जो इसकी बहाने इनके रिश्तेदार ने मिल किए थी वो प्रोग्राम जचाया था, तो मैं उस राव साहब ने तो आज यह कहूँगा भाई तेरा पंडा छुट गया बढ़िया डाल, देख दुख तो मेरा भी उस दिन तेरे जाओ तो भी होना था भाई, अरे इसका गई तो भी होना है, क्यों होना है, अगर धोखा देगी दर्द से यो, अगर मैंने इस खातर 2010 से इसने पालन लग गया था मैं, अरे 2022 आ गई, इतना पैसा मैंने मेरे परिवार पर कौन लगाया जितना मैंने इसके ऊपर। संदीप भाई एक बात देखो, गलत हूँ मैं नहीं, मान गया मैं, आपने आर्डर रोकना चाहूँ एक बात है, क्योंकि समाज में जो काम आपने कराया गंदा है, और इसका मैसेज भी समाज के अंदर गलत जा रहा है, क्योंकि आप अपने मुंह से ये बात कह रहे हो कि 2010 से मैं इन्हें पालन ला रहे हो, अगर वो खर्चा आप अपने खुद के परिवार के ऊपर कर दे, आंधा के हो है प्यार, आंधा क्यों बोला जा है, मैं अंधकार में पड़ा था, आज अपनी गलतियां स्वीकार करने लग रहा, इस समाज का आगे करने लग रहा, मैं अपने बीवी बच्चे आगे करने लग रहा गलती, मैं अपने रिश्तेदार आगे करने लग रहा, अपने भाईचारा आगे करने, एक बताओ ना, चलो मेरे तो गलती आप गलती होने लग रही है मैं मानता हूँ, अरे आज मेरे ठोकर मार गया तो दर्द तो होगा, मैंने आज लोग इतनी साल पुरानी नौकरी वाला आदमी है, घर में कोठी पाया करे, बैंक बैलेंस पाया करे, आज मेरा खाता चेक कर लो, 2000 रुपया तो ऊपर खत्म पैसे कौन पाते, तो आप इस बात में समझोगे, आपकी बात सही है, नहीं आप इस बात में समझोगे, लेकिन जो सामाजिक रूप से देखा जाए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर, हाँ बहुत बड़ी गलती, मैं समाज से हर जगह माफी मांगता हूँ और आपके चैनल पर माफी मांग लूंगा, गलती माफ करने के लायक नहीं है लेकिन फिर भी मैं माफी मांगूंगा। तो ये आगे आप लोगों का क्या, आज भी जो देखा था पाई हुई, मेरी तो कोई गलती नहीं है, नहीं आज देखा हमने वीडियो के माध्यम से, आज मेरे पूछे बड़े बड़े आरोप लगाए, था पाई हुई आपकी कोई फोन फान का मामला था, वो मैं बताऊं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये फोन खुद छोड़ के गई है यहाँ पर, लेकिन नहीं फोन तो इसलिए दे रखा था मैंने, भाई अपनी बहन से बात कर दी, अपनी माँ से बात कर दी कि भाई भी वो एक नया किरदार बीच में आया, इससे कर दी मैंने तो कौन बेरा, क्योंकि मैंने विश्वास था इस पे, मैंने कदे इसका फोन चेक नहीं कराया, कदे और क्या मैं नहीं कराया, हिम्मत नू भी कौन बेरा, अगर ये
मैंने तो ये भी नहीं पता अभी मैटर क्या हुआ है। और आपने इस बात का पता था ये शादीशुदा है? देखो एक रिश्तेदार थी पता तो, क्योंकि मैंने इतना तो बेरा है, लेकिन सुनो मैंने एक वीडियो में हर एक वीडियो में सच्चाई बोल रहा, आज भी बोलूंगा, आज भी झूठ नहीं बोलूंगा। शुरुआत इसने करी थी, अरे भाई इनका, अरे भाई जो गुड़ गिल्ला हुआ था भाई माखी बैठेगी, सीधी बात आगत अप्रोच अगली करने लग रही तो मानस तो एक गलती का पुतला हुआ, गलती अपने हो रही है भाई। हाँ प्रपोज इसने कराया था, ये एक सत्य बात है, और इसने प्रपोज अपना घर का घराला का आगे कराया सुन, नो भी नहीं अगर मेरे ती अलग नहीं फोन पे कह दियो या मैं जा रहा था उड़े कह दियो ना, पहले आगे ना अपना घराला ती कही है, घराला का मेरे तरफ फोन आया है ला भाई नू बाद में बोला जब बात तो इसने कह दी सी हमने खाई मानस मरण वाली, फिर भी मैंने वो समझाया अरे मैं हम आऊँ छूँ अरे भाई आकी बैठ की बात करा, लेकिन रात ने इनका खूह उड़ाए बैठ गया, इसका मारी मूरी या भाई अपने गाँव भेज दी वो, या एक हफ्ते में आई शनिवार ना आई एतवार ना मैं जा लिया उड़ो भाई सुधारा किसे डर तो बात है, लेकिन अगली तो मेरे ती आए बात की थी तू तेरा घर ने भी आए बात करे आ मैं बन गया अंधा भाई। आज कोर्ट में आप लोग किस लिए आए हुए थे? कोर्ट में महावीर का इसका था केस, अच्छा इसने दोनों ने सहमति केस कराया था घर बसाने का, और उसकी थी आज तारीख, रेनू नू जब केस कराया ना नूली मैं थाने कोर्ट का टाम नहीं हांडूंगी, तो वकील साहब ने बोला भाई तो पावर ऑफ अटॉर्नी इसने दे दे तारीख हुई हो आई जागा, मैं उस तारीख पर आ रहा था, मैं उस तारीख पर आ रहा था। आ रही दूसरी बात है ये अपने पूरे परिवार के साथ आ रही थी, मैंने नुए कौन भी रहा किस लिए आ रही है जी, पता लग गया है कि या तो तलाक लेगी और जिसका जारी है ना उसने उसका जो माड़ा गलवा की जारी है उसका घर या कौन सी जगह जारी है फिलहाल, या जारी से इसके पास है ये जो है ना इस चल के हासी रोड हासी से चल के जिंद रोड पे एक कस्बा हुआ है नारनोंद से 2-1 किलोमीटर वाली कोई बहनी है 2 या 4 किलोमीटर, एक बंदा बताओ था गुलकनी गांव में, लेकिन मेरे हिसाब से है ना कल भी उस बंदे बात होती है ना वो कल भी नो पता लगा मेरा गांव में कोई नहीं या तो बहने में से तो यो या उसका है या तो गुलकनी गांव में या उस बहने गांव में। ये भी एक बात बताओ आप, ये भी शादी करके गई है कि रिलेशनशिप में गई भाई, इसके फंड तो इसे लगे या ब्याह करके गई हो, और जब रिलेशन करके गई है तो भी या फंस रही है, क्योंकि एक व्यक्ति दो दो रिलेशन नहीं रख सकता, रिलेशन मेरी नहीं कटी है आज मीडिया का आगे नोली मेरी कट रही है, सबूत दे दे मैंने इसका सबूत मांगे इस पर सबूत को नहीं पाए, मैं बोला भाई उस डेट बता दे जो मैंने तेरे एफिडेविट को दिया हो, अगर यह रिलेशन इसकी कटेगी ना तो मेरा एफिडेविट तो कटेगी, और या मेरी सुनो मैं इसने एफिडेविट दे दूंगा ले हम एक दूसरा एफिडेविट चेंज हो जाए तो रिलेशन कटती है। लेकिन संदीप भाई एक बात, जब वह नहीं रहना संदीप आप सामान्य भैया तो मैंने कौन सी ले ली तो ये मतलब ये झगड़ा किस बात का जो आज झगड़ा तो मैं आपने बता दी झगड़ा तो मीडिया पाया सुना उसकी वजह से तो हो भाई तो मैं तो अगले ये भी कही है ले भाई साथियों अभी तो ली लड़ाई है आगे और लड़ाई है, मैं इसका मन ने गलती कर रखी है मेरा कोई और भाई समाज में यह गलती नहीं करे या मुहिम बंद करूंगा ना। तो भाइयों चैनल के माध्यम से भाई संदीप एक बात बताने लग रहा है कि इससे जो गलती हुई समाज का कोई दूसरा आदमी या गलती करियो ना, क्योंकि इससे एक नहीं दो दो परिवार तबाह हो जाए बहुत गणे हो जाए भाई, ये तीन होंगे ये जिसके गई है या यो मेहनत लागता नहीं बस आ लेगी, और जब वो आदमी इसने ये भी रखा है भूंगली बताऊं भाई मैं सही है मेरी ईर्षा लगा ले और सही वाह लगा ले समाज की बात जिसकी इतनी खुलासे लग रहे हैं झूठ के वो परिवार एक बद्दी भाषा है, मैंने यार एक उस पर है ना चैनल पर हाथ जोड़ के इस परिवार से ना बार बार मैंने माफी मांगी है, क्यों मांगी है भाई मैं किसी परिवार के ऊपर मिट्टी नहीं उछलना चाहता, लेकिन आज तो समाज ने खुल्लम खुल्ला देख लिया इसका लक्षण है, अरे भी इस परिवार इस लक्षण ने देखते हुए रखा ना तो भाई मन ने तो परिवार भी इन्ने वर्गा गोबरे खाना से जिस परिवार में या गई है ना और इसकी आज हरकत देखी है इतना यार बैठ की बात हो उसके थी मैं कोई उसके चब्बे भर उठा के सीधा या घेटी पकड़ी है तीन तीन आदमी मेरा लगे हैं मीडिया के सहमी सारा ओपन सौदा हुआ है, तो एक बता दो ना ये बात बैठ की भी हो सके थी उसकी मां आ रही थी अगर बेटा मैं तेरे तो बतलाना आई छू भैया थम क्यों माटी उछालने लग रहे हो इतने परिवार ऊपर आए मैं कोई उसका धक्के मारू माँ मैं भी तो मानू सू सुना है जो उसकी माँ गेला रही थी माँ तो उसने मैं भी कू हूँ मैं तो कह दें
सर आइसोलेशन हो था। संदीप भाई ये सारी बात तो पिछले 15-20 दिन तक लगातार चलने लग रही है और तकरीबन पूरे देश में चर्चित, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक छोटी बात यह पूछना चाहूँ, आगे का जो आपका डिसीजन है वो के है? न्यायालय है, न्यायालय में जा चुका हूँ भाई, कोर्ट में आप लोग रिलेशन मेरी कटी नहीं है, मेरी सुनो रिलेशन के ऊपर मेरा दावा ठुका है। हाँ क्योंकि मैं भाई मेरी रिलेशन कटवा लेंगे आके आराम से, अगर जी या रिलेशन दो कटवा, अरे हम इसने दूसरी जगह भेजा, या तेरा को नहीं आना चाहती, वो भी उनको मट्टी को नहीं, और ना उसकी माँ पावर ना उसकी बहन पावर, वह इनू कह दें अगर या तेरा रहना नहीं चाहती, और आगे अपने रिलेशन कटवा दो, हम हाथ जोड़ के कहो या दबाव दे हाँ तेरा रिश्तेदार के नाते, तो छोटी सी बात थी, नॉर्मल बात थी, आँख भी दिखावे एस पी और दरखास्त भी देवे नोटिस भी भेजे, मैं भी तो मेरा भी सब मुंह जड़ रहा है, मेरा कौन हाथ है, ना तो मेरे बच्चे मेरे दो रहे, ना मेरा परिवार का, ना कोई मेरा रिश्तेदार मेरे पास फोन नहीं करता, नहीं मेरे पास आता, इस मीडिया में आया हूँ, इस जनता जनार्दन के बीच में आया हूँ, या मैंने भाई सजा दे तो मैं सजा उठना तैयार हूँ, माफ करा तो माफी मांगना लग रहा हूँ, बस दो ही बात है भाई साहब, और समय का थोड़ा अभाव, समय थोड़ा ज्यादा टाइम देने भाई। संदीप एक लास्ट बात है, अगला जो आपका डिसीजन है वो क्या होगा, जो आज जो आपके साथ आता पाई हुई जो मीडिया के माध्यम से पता, मार्च के मने मार सकते मेरे कहीं भी किसी रोड पर, ये एक सच्चाई है, और मेरी मौत की जिम्मेवार रेनू को, रेनू है, जो रेनू जिसके घर जा रही है ना वो परिवार है। तो आप लोगों ने देखा भाई, संदीप ने जो आप बीती है वो बताया, हालांकि संदीप ने ये बात भी बताई है कि उसका जो ये कदम था बिल्कुल गलत था, समाज में कोई ऐसा कदम मत उठाइए।